नमस्कार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों पीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम जानते तो बहुत कुछ है पर जब ये फैलता है रोग तो सभी डर जाते हैं पर डरने की कोई बात नहीं हम इस पर पूरी जानकारी विस्तार से देंगे और इसके लिए हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है डॉक्टर अजय सहाय को तो उनका स्वागत करते हैं और पीलिया पर सब कुछ जान लेते हैं आज उनसे नमस्कार सर नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में देखिए मैंने हमारे दर्शकों को बता दिया है कि आज पीलिया पर पूरी जानकारी हमें आपसे चाहिए तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे लोग जानते तो हैं कि पीलिया वो बीमारी है जिसमें पीले हो जाते हैं या बहुत इम्यूनिटी वीक हो जाती है अब आपसे जानना चाहेंगे आपके शब्दों में उसे पूरी तरह से समझना चाहेंगे कि आखिर पीलिया किसे कहते हैं पीलिया का अर्थ होता है पीला पड़ जाना जी तो पीलिया की प्रथम चरण में चेहरा पीला पीला दिखाई देने लगता है यानी चेहरे की जो स्किन है चमड़ी है वो पीली दिखने लगती है जो आँखों का सफेद भाग है वो पीला पीला दिखने लगता है और अगर पीलिया बढ़ जाए तो पूरा शरीर उसके बाद धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है और इसके साथ ही हमारे शरीर के जो भी सिक्रीशंस हैं जो शरीर से जो द्रव पदार्थ निकलते हैं जैसे आपके यूरिन है और आपके आंसू हैं लार हैं इनका रंग भी पीला होने लगता है और जो मल का कलर है वो मिट्टी जैसा होने लगता है उसका कलर चेंज हो जाता है और अगर पीलिया बहुत ज्यादा हो जाए तो शरीर में खुजली भी होने लगती है तो कितने प्रकार का होता है पीलिया वास्तव में पीलिया हम तीन प्रकार का कहते हैं एक पीलिया वो होता है जो बहुत ज्यादा खून टूटने की वजह से होता है तो कुछ बीमारियां ऐसी जिसमें खून टूटता है जल्दी जल्दी लाल रक्त कण टूटते हैं और उसमें से पीला पदार्थ बिली रिलीज होता है और जब बिली की मात्रा खून में बढ़ने लगती है तो हम बोलते पीलिया हो गए क्योंकि ये पीलिया पदार्थ है ये पीला पदार्थ है और शरीर के विभिन्न अंगों में जम जाता है तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में सिकलिंग की बीमारी पाई जाती है ऐसे लोगों में खून जल्दी नष्ट होता है स्पीरोसाइटोसिस है कुछ दवाइयों का अगर लगातार सेवन कर रहे हैं या मलेरिया के कुछ प्रकार हैं उनमें खून जल्दी टूटता है इसको प्री हीपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं दूसरा जो हम रोज जो हमारे पास मरीज आते हैं उसमें लीवर डैमेज होता है लीवर प्रभावित होता है उसको हम बोलते हैं आपका हेपेटिक जॉन्डिस जिसमें लीवर बीमार होता है अक्सर ये वायरस की वजह से होता है और एक होता है पोस्ट हेपेटिक जिसमें हेपैटिकीवर के बाहर कोई कारण होता है तो अगर इसमें की बीमारी हो या स्टोन्स बन जाएं जो पीलिया के पदार्थ का जो आवागमन जो डक्ट करती बाइल डक्ट उसमें अगर जो है ना किसी तरह की रुकावट हो ट्यूमर हो जाए पतरी फंस जाए इसमें सूजन हो जाए इंफेक्शन हो जाए तो इसमें जो पीलिया होगा इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं जिसको पोस्ट इडियोपैथिक जॉन्डिस बोलते हैं जिसमें पीलिया तेजी से बढ़ता है तो मैं आपको बता दूं हम जिस पीलिया की वास्तव में बात करते हैं उसका सबसे कॉमनेस्ट रूप होता है वायरल हेपेटाइटिस जिसमें वायरस की वजह से लीवर प्रभावित होता है जी तो ये वायरस कब प्रभावित करता है किस तरह का वायरस होता है और इसके बारे वायरस के बारे में भी पूरी तरह से जान लेना चाहेंगे आपसे देखिए बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जो लीवर को प्रभावित करते हैं और जब लीवर में सूजन पैदा करते हैं तो हम उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं जी। कुछ वायरस तो बड़े खतरनाक होते हैं जो पेशेंट की जिंदगी को मतलब तकलीफ में डाल सकते हैं और कुछ वायरल हेपेटाइटिस ऐसे होते हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं तो इसके लिए कुछ कैटेगरी बनाई गई है वायरस का प्रकार कैसा है और वो वायरस कितना खतरनाक है कैसे फैलता है उस हिसाब से मैं बताऊं एक होता है हेपेटाइटिस ए जो वायरस ए की वजह से होता है और एक होता है हेपेटाइटिस ई ये भी वायरस की वजह से होता है जो खान पान की वजह से फैलता है दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी सी डी ये होते हैं जो इसके फैलने के दूसरे कारण हैं जिस तरह से आप मानसक्ति जैसे अच्छाई बी एड्स फैलता है ना असुरक्षित और संबंधों से दूषित रखते औजारों से और गर्भवती माता अगर संक्रमित हो तो गर्भ में पल रहे बच्चे को जब पैदा होता है तो ये हेपेटाइटिस बी सी और ई डी से प्रभावित हो, हो सकता है अक्सर जो मरीज हमारे जानना चाहते हैं हमारे दर्शक वो हेपेटाइटिस ए और ए e होता है क्योंकि वो बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा प्रभावित करता है हाँ। तो हम सबसे पहले तो आपसे हेपेटाइटिस ए को ही पूरी तरह समझना चाहेंगे क्योंकि मास में या एक बहुत बड़े समूह को वो इफेक्ट करता है एक बहुत बड़े ग्रुप को इफेक्ट करता है तो इसके लक्षण क्या होंगे अगर हेपेटाइटिस ए की वजह से हो रहा है जो आमतौर पर ठीक भी हो जाता है पर परेशान जरूर करता है ठीक होने के पहले बहुत ज्यादा तो वो लक्षण क्या है हेपेटाइटिस ए एक आर वायरस से होता है बहुत हल्का रूप है पीलिया का जी। और ये समाज के मैं देखा जाए तो साल भर तक इसके मरीज आते हैं जी। लेकिन अभी इस समय जब लोग आइसक्रीम वगैरह ज्यादा खाते हैं गर्मी लगती है मुँह सूखता है बाहर में पेय पदार्थ या दूषित पानी का इस्तेमाल करते दूषित भोजन का तब इसके जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है जी। हेपेटाइटिस एक आरने वायरस से होता है जी। और ये फीकल और रूट से फैलता है होता यह है कि अगर कोई मरीज संक्रमित है तो उसके मल से इसके वायरस उत्सर्जित होते हैं जब रोगी भी मार है तो इसके मल में से जो वायरस वो सर्जित होते हैं अगर कहीं हमारे डेली उपयोग के पानी के स्रोत के पास वो मल उत्सर्जित करता है मसलन तालाब है नदी के आसपास है तो ये इसके वायरस उसके मल से होते हुए हमारे पीने के पानी को प्रदूषित करते हैं और धोखे से ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं दूसरा अगर मान लीजिए जैसे बेटर है कोई खाना बना रहा है रसोईया है हुँ। हुँ। उसको पी लिया है और उसने हाथ ठीक से साफ नहीं किए हैं तो उसके मल के जो वायरस है ये नाखूनों में हाथों में आ गए जब हमारे

अभी कोविड था तब भी हमने बहुत सारी बात की कोरोना टाइम में कि अगर आपके हाथ आपके अच्छे धुले हुए हैं हाथ आपके सुरक्षित हैं तो फिर आप कई बीमारियों से सुरक्षित हैं क्योंकि हाथ हमारे शरीर में हर जगह घूमते हैं हर अंग को छूते हैं हमारे हाथ हाथों को धोने का सबसे अच्छा तरीका है आप हाथ साबुन से धोएं जब कोरोना टाइम में लोगों ने कहा था कि हमको हैंड सैनिटाइजर नहीं मिल रहे हैं हम क्या करें बहुत महंगे मिल रहे थे शॉर्टेज थी, थी। तब भी हमने बारम्बार बताया कि आपके पास अगर साबुन है तो उससे अच्छा एंटीसेप्टिक कोई नहीं है आप साबुन से हाथ धोइए और बहुत ही बुरी परिस्थिति में जैसे गाँव में लोग खेतों में जाते हैं तो फिर आप राख से हाथ धो सकते हैं हाथ धोने का तरीका ये आप साबुन लें और उसके कई स्टेप होते हैं हाथ धोने के आप साबुन को सिर्फ यहां तक मतलब लगाइए आप ज़्यादा दूर तक लगाइए और साबुन को पहले एक तरफ ऐसे लगाइए फिर पीछे की तरफ लगाइए फिर हाथों को ऐसे लगाइए ताकि उंगलियों के बीचों में फंसे वायरस या जो भी जीवाणु विषाणु या जो आपके रोगाणु हैं वो धुल जाएँ और फिर उसको ऐसे धोइए और इसको बड़ी देर तक आप धोइए कम से कम नाखूनों के पास भी हाँ नाखूनों के पास फिर नाखूनों को ऐसे धोइए इस तरह से हाथों को धोया जाता है और कम से कम आप एक मिनट तक हाथों को धोएं उसके बाद आप पानी से धोएँ

जो पानी दूर से ही गंदा दिख रहा है जैसे तालाब का पानी है उसको पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहाँ लोग धोबी लोग कपड़े धोते हैं या निस्तारी होती है उस पानी से बचना चाहिए और बोरिंग का पानी अच्छा मानते हैं क्योंकि बहुत गहराई से आता है जी। तो उसमें बैक्टीरिया वायरस जिंदा नहीं होते लेकिन उससे प्रॉब्लम ये है कि उसमें लवण बहुत ज्यादा होते हैं तो अगर लवण बहुत ज्यादा है तो किडनी में पथरी बनने का डर होता है अगर हम खुला पानी पीते हैं कुएं का पी लेते हैं तो उसमें जीवाणु विषाणु रोगाणु हो सकते हैं गहराई का पानी हम लेते हैं तो उसमें लवण बहुत होते हैं तो सबसे बढ़िया ये होता है कि हम पानी को उबाल कर पिए वो भी तब जबकि पीलिया का प्रकोप फैला हो पानी को आप उबाल दें और उसके बाद आप उसको ठंडा कर देख तो से मर जाएंगे। या फिर अगर कुएं का पानी पीते हैं बीमारियों के जो कारक है वो नष्ट हो जाए जी सर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप दे रहे हैं पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे छोटे से विराम के लिए तो मित्रों हमारी और आपकी बातचीत डॉक्टर अजय सहाय के साथ जारी रहेगी छोटे से विराम के बाद मेरी अपनी सबकी है ये मेरी अपनी सबकी है ये आज ही नहीं कल की है ये अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें आपकी बातें आपकी बातें आपकी बातें बाते हर मुश्किल का हल है सजाती जीने की एक राह दिखाती अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें बातें आपकी बातें आपकी बातें देखना ना भूलें आपकी बातें लाइव फोन इन प्रोग्राम हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ आरोप कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पीलिया के बारे में जान ले रहे हैं हम डॉक्टर अजय सहाय से तो उनसे जानना चाहेंगे कि सर लक्षण बता दिए आपने कारण बता दिए उपचार कैसा क्या गंभीर परिस्थितियां हो जाती हैं कई बार पीलिया की वजह से वो जानना चाहेंगे जो हेपेटाइटिस ए है वो सेल्फ़ लिमिटिंग है एक बहुत अच्छी बात है कि कुदरत ने वायरस को ऐसा बनाया जो अपने आप कुछ दिन में ख़त्म हो जाता है या हमारे शरीर की अगर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी डेवलप हो जाए तो वायरस अपने आप उसका ख़त्म हो जाता है ऐसे हमने कोविड में देखा आज पूरे हम लग लोगों के बीच में पूरी दुनिया में इम्यूनिटी आ गई जिसमें टीकों का भी बहुत बड़ा योगदान है तो आज वायरस अपने आप ख़त्म हो गया तो ये एक सेल्फ़ लिमिटिंग डिसीज़ है जो महीने दो महीने में अपने आप ये खत्म हो जाती और जो हेपेटाइटिस ए है ये पूरी तरह से इसमें लीवर ठीक हो जाता है लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं बचती सिर्फ एक प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था है जिसमें अगर ये हो जाए तो रिस्की होता है और खास तौर से अगर मरीज को हेपेटाइटिस ई e हो जाए अब आप जानना चाहेंगे ए और ई e में क्या अंतर जी, है जी। ये लगभग दोनों एक ही है हेपेटाइटिस ए महीने दो महीने में ठीक हो जाता है हेपेटाइटिस ए में पाँच छः महीने या ज़्यादा भी लग सकता है नहीं तो दोनों ही सुरक्षित हैं सिर्फ ड्यूरेशन का फर्क है तो पीलिया के उस प्रकार के बारे में जानना चाहेंगे बी की बात आप कर रहे थे कि जो लिवर को ज्यादा प्रभावित कर सकता है हाँ। उसके बारे में कैसे जानेंगे कोई कैसे समझ जाएगा यानी कि लक्षण क्या हैं कि वो समझ जाए कि उसे आ, हेपेटाइटिस बी या पीलिया का खतरा मतलब खतरनाक वाला पीलिया हो रहा है अगर सामान्य तो भाषा में कहा जाए खतरनाक रही है जी महीने दो महीने में ठीक हो जाता है कोई विशेष इलाज की जरूरत नहीं है अच्छा खान पान रखें संतुलित भोजन और मरीज को अलग कर दें और उसको पानी और जो भी सावधानियां हाथ धोने की बताई ई भी वैसी है अगर आप टेस्ट करा लेते हैं तो आप मरीज को बता दीजिए लंबा थोड़ा चलेगा परेशान होने की जरूरत नहीं लेकिन अगर प्रेगनेंसी है तो फिर डॉक्टर के पास आपको निश्चित रूप से कुछ जाना पड़ेगा अगर किसी को बी हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि हेपेटाइटिस बी में 25 से 30 प्रतिशत यानी चार में से एक मरीज का लीवर धीरे धीरे डैमेज होने लगता तो है। कैसे पता चलेगा मरीज को वही तो जानना चाह रही हूँ मरीज को पता ही नहीं चलता शुरुआत में कि वो हेपेटाइटिस बी का शिकार हो चुका है क्योंकि तो इसमें कोई भी लक्षण नहीं होते कभी छोटी मोटी वायरल इलनेस हुई वायरल हाँ। इलनेस कोई भी कैसे होती हाथ पैर दर्द सर्दी बुखार ऐसी हुआ तो कारण दर्द हुआ तो कारण जान लेना चाहेंगे की आखिर होता क्यों है तो उस कारण कोई दूर किया जाए हेपेटाइटिस बी तो कारण उसका है। यह है कि असुरक्षित यौन संबंधों से हेपेटाइटिस बी फैलता है अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए हेपेटाइटिस बी है और उसके साथ असुरक्षित यौन संबंध अब किसी पत्नी को है उसको पता तो नहीं है पति को है तब तो आप हर जगह सेफ्टी मेजर से इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसमें धोखे से ट्रांसमिट होता है तो असुरक्षित यौन संबंधों से दूषित रक्त औजारों से अब तो आजकल बहुत ही ठोक बजा के पूरी जांच करने के बाद ही खून चढ़ाया जाता है।, है, है लेकिन पहले जमाने में कभी कभी जरा भी चूक हो गई तो अगर खून संक्रमित है और वही संक्रमित खून जिसमें हेपेटाइटिस बी के वायरस है आपने एक सामान्य व्यक्ति को चढ़ा दिया तो वो संक्रमित होगा दूषित औजारों से औजार मतलब ऑपरेशन थिएटर के औजार या फिर टैटू जो लोग गुदना गुदवाते हैं आप टैटूइंग करते हैं इससे भी फैलता है या आपने देखा होगा सुइयां जो शेयर करते हैं जो नशेड़ी लोग होते हैं एक ही सुई से दस लोग अपने इंजेक्शन के रूप में जो नशे के सामान को सामग्री को इंजेक्ट करते हैं और अगर कोई माता गर्भवती है और उसके बच्चे में हो सकता है तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको भी हेपेटाइटिस भी होने का डर होता है ये तीन कारण है जिसकी वजह से तो इन कारणों से अगर हम दूर रहें ऐसे कारणों का मौका ही ना दें तो बहुत हद तक पीलिया और अक्सर ये कब पकड़ में आता है जब आप रूटीन में टेस्ट करवाते हैं या क्या होता है पहले किसी मरीज को हेपेटाइटिस का हल्का सा एक वायरल नेस ठीक हो गया कुछ दिनों बाद चार छः महीने बाद जब देखता है शरीर बहुत थका थका, थका रह रहा है हाँ। आंखें हल्की पीली पीली हो रही अब उसको पीलिया डेवलप हो रहा है शरीर में खुजली हो रही है अच्छा नहीं लग रहा है कमजोरी डॉक्टर लोग टेस्ट कराते हैं रूटीन में निकल पड़ता है तब तो पता चलता है हो तो हेपेटाइटिस बी हो गया तो फिर उपचारित कैसे किया जाता है उसे हेपेटाइटिस ए और बी का उपचार बिल्कुल अलग अलग है हेपेटाइटिस अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है हेपेटाइटिस सी अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है लोग कहते हैं हमने झाड़ फूक करा ली इसलिए ठीक हो गया भ्रांति है अपने आप ठीक हो होती नहीं कराते तो भी ठीक होती समय ले ही लेता है और लोगों को लगता है की शायद याद होती है वायरल इलनेसे की भी याद होती है तो वायरल ए और ही के लिए ए ई वाले हेपेटाइटिस से कुछ नहीं करना जो बी होता है ना उसके लिए एंटी वायरल दवाई आ गई है वो भी डॉक्टर लोग बदल बदल के देते हैं क्योंकि ऐसा देखा गया एक ही दवाई बहुत दिनों तक असर नहीं करती है कम असर करती है तो कंबाइन कर देते हैं दूसरा अगर बहुत ज्यादा फर्मिनेटिंग इलनेस से बहुत ज्यादा पी लिया है तो उसमें इंटाफेरॉन टाइप की दवाई देते हैं जो डायरेक्ट वायरस को मार देते हैं लेकिन जैसा कि हम कहते हैं वायरल चीजें जितनी भी हों जानकारी ही बचाव है और टीकाकरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जी। तो हेपेटाइटिस ए का टीका आता है जी। तो वो एक डोज आपने लगा दी छः महीने तक आप बिल्कुल इम्यूनिटी होती है तो जो लोग खास तौर से पीलिया के से ग्रसित मोहल्ले में रह रहे हैं या घर में क्राउड बहुत ज्यादा है बहुत सदस्य है उनको टूर में जाना है तो उनको तो आपने हेपेटाइटिस ए का टीका लगा लिया लेकिन बी में क्या होता है उसकी खासियत यह है कि अगर आपने पूरा वैक्सीनेशन कर दिया तो पाँच साल तक आपको इम्यूनिटी मिलती है तो हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है जैसे एक आज हमने आज लगा दिया फिर एक महीने बाद फिर छह महीने बाद इससे तीन टीकों से हम पाँच महीने तक सुरक्षित हो सकते हैं जी बिल्कुल तो किन लोगों को कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये दूसरे टाइप का जो पी लिया हैपेटाइटिस बी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है कुछ खास जो गंभीर बीमारियाँ होती हैं कुछ गंभीर तरह के आ, की आदतें होती हैं जैसे कि मद्यपान करने वालों की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे और एक खास परिप्रेक्ष्य यह है कि अभी हम तंबाकू निषेध दिवस भी मना रहे हैं तो तंबाकू खाने से क्या होता है वो हम हमेशा लोगों को जागरूक करते हैं कि तंबाकू से बचकर रहिए तो उस पर भी आपका एक बहुत अच्छा सा सं देश हम जान लेना चाहेंगे इसी से एक डॉक्टर होने के नाते तो मैं कहूंगा कि हेपेटाइटिस बी की आप तीन डोज लगवा लीजिए तो आप पांच साल तक आपको इम्यूनिटी मिल गई और किस्सा खत्म अब आप सुरक्षित हो गए लेकिन समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं। जिनको निश्चित रूप से हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाने चाहिए जैसे हम लोग डॉक्टर लोग हैं जो मरीजों के साथ रहते हैं नर्सें होती हैं कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं उनके शरीर के फ्लूड हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं किसी भी रूप में उनकी सुई हमको चुप सकती है और जो लोग वैक्सीन का निर्माण करते हैं वायरस हैंडल करते हैं या जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है प्रतिरोधक क्षमता किन की कम हो सकती है जो लोग अभी आपनेता धूम्रपान करते हैं शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं ये शरीर की इम्यूनिटी कम करते हैं किसी को डायबिटीज है कैंसर है एच आई एड्स है या जो लोग इस्टीरॉयड लेते हैं या जिन लोगों को हम एंटी कैंसर दवाइयाँ देते हैं तो इन लोगों के शरीर की क्षमता कम होती है तो इनमें ना सिर्फ हेपेटाइटिस बी के बल्कि दूसरी तरह के टीके भी लगवाने चाहिए तो आपने धूम्रपान की बात की मैं आपको बता दूँ कि धूम्रपान हर किसी भी रूप में घातक हो सकता है चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट लें चाहे आप तम्बाकू के रूप में लें चाहे बीड़ी लें हुक्का लें हर रूप में धूमपान हमारे शरीर के घातक है कैसे ये हमारी शरीर की नसों को क्षतिग्रस्त करता है इसमें चार हजार प्रकार के केमिकल होते हैं निकोटीन होता है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, टार होता है इनसे कैंसर होने का डर होता है हार्ट अटैक से तुरंत मौत का खतरा दस गुना होता है इनसे आपको एलर्जी होती है सांस की बीमारी होती है इनसे आपको ब्रोंकाइटिस होता है और ये शरीर की क्षमता कम करते हैं ये देखा गया है कि जो इंसान धूम्रपान करता है तो उसका खान पान भी अनियमित होता है वो शराब का भी अत्यधिक सेवन करता है फिर तो उसका खान पान में भी कोई परहेज नहीं होता तो ऐसे मरीज जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है शरीर में जिनकी क्षमता कम है उनको पीलिया क्या और भी नाना प्रकार के रोग होने का डर होता है इसलिए तम्बाकू तो जहरी है तम्बाकू से हमें बचना चाहिए आज का खास संदेश इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी होती लोग आके बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट शुरू कर दी अरे भाई ठीक है उसमें निकोटीन नहीं होता मिलता जुलता उसी तरह के असर वाला दूसरा प्रोडक्ट होता है लेकिन उसमें एक बैटरी होती है गरम होता है जब और उसमें धुआं निकलता है तो प्लास्टिक गरम होती उससे निकलने वाले जो केमिकल होते हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं।, हैं।, जी तो खान पान की बात आप कर रहे थे खान पान किस तरह से पीलिया या किसी अन्य रोग के लिए भी अपनी भूमिका अदा करता है खान -पान कैसा होना चाहिए व्यक्ति का संतुलित भोजन लें फलों का समावेश करें जो रंग बिरंगी सब्जियां हैं सलाद है उनका प्रचुरता से सेवन करें जिन लोगों को पी लिया है उन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट बचाने में थोड़ी तकलीफ होती क्योंकि लीवर में सूजन है तो ये लोग अंडा मांस मछली या दूध दही पनीर से इनको उल्टी होने का डर होता है या उल्टी का सेंसेशन आता है तो इनको ऐसी चीजों से बचना चाहिए हरी सब्जियां लें और आप रसीले फल लें और नींबू बहुत अच्छा फायदा करता है इसका मतलब नहीं कि आप बहुत सारा नींबू खाएंगे ज्यादा अधिकता किसी भी चीज का अधिक मात्रा में सेवन भी खतरनाक होता है थोड़ा सा नींबू ले लें अंगूर ले

चलन बहुत कम देखने को मिलता है उसकी क्या भूमिका है ताकि लोग जागरूक हों और कसरत करें शारीरिक श्रम करें हमारी तीसरी तीन पीढ़ी पहले आपने भी देखा होगा दादा नाना सुबह उठते थे गांव में और दौड़ लगाते थे कबड्डी खेलते थे वो लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते थे और फिज़िकल एक्टिविटी करने से हमारी शरीर की एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च हो जाती जो लिपिड लेवल हो कम हो जाता है खर्च हो जाता है और हम तंदरुस्त होते हैं जब हम थकते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी श्वास है श्वसन तंत्र है वो भी उसकी भी जो है ना सफाई हो जाती हाँ। तो उस समय हम फिजिकल खेल, खेल खेलते थे मैदानों में हाँ। खेल हम आज भी खेल रहे हैं लेकिन डिजिटल युग में हम कंप्यूटर पे खेल रहे हैं हाँ। मोबाइल में खेल रहे हैं हमारा शरीर नहीं चल रहा है हाँ। हमारी उंगलियां चल रही हैं हमारी आंखें थक रही हैं आंखें खराब हो रही हैं तंत्रिका तंत्र पर दुष्प्रभाव हो रहा है लेकिन शारीरिक एक्टिविटी लगभग नहीं के बराबर है हाँ। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो मेडिकल साइंस बोलती है कम से कम आधा घंटे एरोबिक एनारोबिक जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं ऐसी एक्सरसाइज जिसमें पसीना आए थोड़े आप थक जाएँ तो कम से कम आधा घंटे रोज़ और कम से कम महीने हफ्ते में पाँच दिन यानी डेढ़ सौ मिनट की एक्सरसाइज आपको नाना प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रखती है लेकिन एक चीज में बताऊं अभी आप देख रहे होंगे कि बारात में कोई बच्चा डांस कर रहा था सत्रह अठारह साल का स्पॉट डेथ हो गई दूसरा जिमिंग में मैं हमने देखा कई हमने फिल्म स्टारों को खो दिया सडन हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ रहा है बिल्कुल, तो आप अगर जिम जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है वहाँ स्टीरोइड वाले प्रोटीन हाँ। पाउडर से बचें हाँ। बिना एक्सपर्ट की सलाह के आप न लें और बहुत ज्यादा जिमिंग मत करें आप जल्दी जल्दी आप अपने आप को हष्ट पुष्ट बनाना चाहते हैं हाँ। ऐसी गलती का भी ना करें इसका असर उल्टा हो सकता है जी बिल्कुल और हमारे जो विभिन्न संचार माध्यम है जैसे हमारा दूरदर्शन उसको आप कहाँ पाते हैं इस तरह की हेल्थ अवेयरनेस कैंपेनिंग में और लोगों को जागरूक करने की दिशा में आज आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत सक्रिय रहते हैं चिकित्सा सुविधा चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में तो आज ये बताइए हमें आज हम जो यहाँ बैठे हैं जी दूरदर्शन में बैठे हैं और हम सब लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं दूरदर्शन की वजह से देख रहे हैं मैं तब जानता हूँ बीस साल पहले जब कल्याणी आया करती थी पहले हम नाना प्रकार की बीमारियों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करते थे एक बिल्कुल ऐसा लग रहा था आंधी आती जब कल्याणी आती थी तो लोग दौड़ पड़ते थे दूर टेलीविजन के पास और मैं आपको बता दूं जहां सूरज भी नहीं पहुंच पाता दूर दूर इंटीरियर्स में वहाँ दूरदर्शन पहुँचता था इसीलिए आज हम इतने स्वस्थ हैं और हमने नाना प्रकार की बीमारियाँ सपने आप को बचा के रखा है हमने कोरोना का भगा दिया इसमें दूरदर्शन का बहुत बड़ा योगदान है जिसने घर घर जाकर अंतिम छोर के व्यक्ति तक उसको शिक्षित किया और सिर्फ उपदेश नहीं दिए बल्कि नाना प्रकार के रोचक कार्यक्रमों के जरिए उनको जो है शिक्षित किया बहुत बड़ा योगदान है दूरदर्शन और ये सब संभव हो सका आपकी वजह से और आप जैसे दूसरे विषय